एक ये भाई ने क्वेश्चन किया और ये बड़ी मशहूर मतलब बात है, रमज़ान से मुतालिक भी है, सब समझें। ये कहते हैं एक हदीस के लोग यूं बयान करते हैं कि जिसको अपनी कज़ा नमाज़ों की तादाद मालूम ना हो तो रमज़ान के आखिरी जुमे में 4 नफल एक सलाम से पढ़ें, फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 7 बार और सूरह कौसर 15 बार पढ़ें, अगर 700 साल की भी कज़ा नमाजें होंगी तो सबका कफ़ारा हो जाएगा। क्या ये हदीस है? बिल्कुल भी नहीं है। जिसने इसको ईजाद किया वो अल्लाह का खौफ करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये किसी बेवकूफ़ ने निकाली होगी, अब उसको पता भी नहीं होगा किस कदर ये जारी होगी। लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं, मैंने खुद देखा एक इलाके में मैं गया और जहालत देखें कि बाज़ोक़त कहते हैं कि जुमे के आखिरी जुमे को असर की नमाज के बाद, और असर की नमाज के बाद तो नवाफिल पढ़ना ही मना होता है, और एक वो इलाके के बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी उनकी वो जमात करवा रहे हैं। ये काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं आलिम भी नहीं था लेकिन मैं तबलीग दीन के शोबे से वाबस्ता था, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जी ये वाली 4 रकत नमाज पढ़ रहे हैं ताकि कज़ा का कफ़ारा हो जाए। ये तो हाल है हम लोगों का कि अगर सफ़ेद दाढ़ी है, इलाके में आपके लोग हाथ चूमने लग गए हैं, आपको हाजी साहब कहकर पहली सफ में बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब आप शारे बन जाएँ, आप गलत चीज़ को राइज कर दें, ये अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो इसके लिए इतना बड़ा गुनाह है, जारिया है ये, कि जब मरेगा अगर ये तौबा ना करके मरा तो इसका तो अंजाम बड़ा दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक अंजाम है। जितने लोग गुमराही का शिकार होते रहेंगे बेचारे, वो इसको पढ़ करके जी हमारी तो कज़ा अदा हो गई सारी, 700 साल की भी हो तो अदा हो गई, अब वो कुछ भी नहीं करेंगे, हालिया नमाजें पढ़ नहीं रहे और दीगर मामला, तो इनके लिए बहुत बड़ा वबाल है। अल्लाह ताला इस शख्स के ऊपर रहमत नाजिल फरमाए और इसको हिदायत और तौबा की तौफीक अता फरमाए।